हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना। अब क्या होता है, हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव सिनेरियोज होते हैं तो वो हम उसको प्रैक्टिस में कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है, कंडीशंस ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट में जाकर ही आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए था। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कभी एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें कुछ कॉलम्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई एम्प्टी फील्ड्स हैं हमारे पास, तो उस केस में हम कैसे एक टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या अप्रोच हमें यूज़ करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन वॉच नहीं करें तो सबसे पहले आप उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये वो जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक के अंदर है। तो अगर आप सारे सेशन सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको जो टॉपिक है वो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए मेनली हम ये फोकस करेंगे कि कैसे हम एक ऐसी टेबल को बना सकते हैं जहाँ पे कुछ फील्ड्स हमें एम्प्टी रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखो, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो बहुत ही बेसिक सा सिंटेक्स वाला, अभी बस एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर हमने नोट करके रखा है, जिसमें एक हेडिंग है हमारे पास और उस हेडिंग में लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर मैथ, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं वेब ब्राउजर को, तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि जब भी हम कोई टेबल बनाएं तो हो सकता है उसमें से कुछ फील्ड्स हमारे पास जो है वो क्या है, ब्लैंक है। तो उस टेबल को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले अपन एक टेबल बनाते हैं, बेसिक टेबल इसकी नीड है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले टेबल टैग, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे टेबल टैग के अंदर टी हेड, सबसे पहले टी हेड के बाद में अपन लिखेंगे TH कुछ हेडिंग देने के लिए, हेडर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम। आप चाहो तो उसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया 3 times, प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट में कर देते हैं, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। ये 3 हमने कॉलम इसमें ऐड कर दिए। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में टी बॉडी पार्ट ऐड करेंगे, तो टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी के अंदर अब अपन को क्या करना है, एक रो डालनी है ना, कुछ डेटा डालना है, तो TR लिखेंगे, और TR के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे TD, ठीक है। TD हमने लिखा, तो पहला आता है प्रोडक्ट ID। तो प्रोडक्ट ID सपोज हमारे पास है 101, ठीक है, इसको कॉपी कर लो फिर से, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, ठीक है। और इसके बाद में इसको फिर से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना प्राइस, तो फॉर एग्जांपल 50K, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डेटा हो गया। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, जो करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है ना। अब अपन इसमें एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं, अभी ऐड करते हैं, फिर मैं आपको आगे वाले कॉलम्स दिखाता हूँ। तो बॉर्डर लिखा 5px पे अपन ने बॉर्डर सेट कर दिया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से अपने को दिख रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। अब अपन समझते हैं रिक्वायरमेंट। देखो, रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे को इस तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मेंशन करना है, और उन प्रोडक्ट्स का प्राइस लिखना है, नेम लिखना है, ID लिखना है। अब कंडीशन क्या है, कुछ चीज़ों की तो हमें इन्फॉर्मेशन पूरी पता है, जैसे आप देखो यहाँ पे हमें पता था प्रोडक्ट ID क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है और प्राइस क्या है। अब सेकंड वाला जो डेटा हम लिखने वाले हैं उसमें हमें प्रोडक्ट का ID पता है, प्रोडक्ट का नेम पता है, बट प्रोडक्ट का प्राइस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड को ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, क्या उसके लिए कुछ अलग से टैग यूज़ करना पड़ता है, वो सब देखते हैं अपन, ठीक है। तो सेकेंड रो ऐड करेंगे, सेकेंड रो ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे TR, ठीक है। TR के अंदर हम लिखेंगे पहला TD अपना, पहला TD में क्या आएगा, प्रोडक्ट नंबर, तो आ गया प्रोडक्ट नंबर 102। प्रोडक्ट नंबर के बाद हमारे पास आ गया दूसरा TD, दूसरा TD में अपन लिखेंगे प्रोडक्ट का नेम, फॉर एग्जांपल मोबाइल, ठीक है। अब प्रोडक्ट का प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है, प्रोडक्ट का हमें प्राइस ही नहीं पता। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। अब
फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रो यहाँ पे ऐड करता हूँ सेम, और वहाँ पे हम डाल देते हैं 103, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कैमरा, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कैमरा आपका इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। अब अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर यहाँ पे मैं इस तरह से टी डी ब्लैंक लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो क्या डिफरेंस होगा? तो आपका डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे एक फील्ड ऐड हो गई, बॉर्डर ऐड हो गया, और वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास डेटा है जो आ सकता है बट अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको दो अलग से सिनेरियो दिखाए यहाँ पे, एक में हमने एक ब्लैंक टीडी रखा है और एक में हमने ब्लैंक टीडी नहीं रखा है। तो जिसमें ब्लैंक टीडी रखा गया है वहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डेटा पॉसिबल है, अभी नहीं है बट आगे इन फ्यूचर हो सकता है। उसी तरह से अगर आप थर्ड वाले सिनेरियो में देखोगे तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास ब्लैंक लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा कि वहाँ पे बॉर्डर है भी या नहीं, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास ये सिनेरियो। तो इसीलिए रिकमेंडेड रहता है कि अगर आप ऐसा कुछ डेटा लिखने वाले जो बाद में यूज़ हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे एक ब्लैंक टीडी रख सकते हो और एक कमेंट ऐड कर सकते हो साथ में कि ये बाद में कब फिलअप होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि देखो, फर्स्ट वाले में हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन थी, सेकेंड वाले में हमारे पास प्राइस का इन्फॉर्मेशन है, थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम नहीं है और प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे? उसमें तो क्या लास्ट में टीडी था, उसको स्किप कर दिया। अभी यहाँ पे क्या देखो, 103 है, प्रोडक्ट का नेम हमें नहीं पता और प्राइस हमारे पास है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30K, ठीक है। 30K का कोई प्रोडक्ट है बट उसका नेम ही नहीं पता हमें। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी तो क्या 30K यहाँ पे आ रहा है जो कि गलत है। हमें 30K चाहिए कहाँ पे, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, और इसको रखना है ब्लैंक। और यहाँ पे हम टीडी को स्किप कर चुके हैं बट वो स्किप होने के बाद में सेकेंड ही उसको कंसिडर कर रहा है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, वो ऐसा सिनेरियो बन गया था कि वहाँ पे हमारे पास तीन थे, तो लास्ट वाले को स्किप किया तो वो अपने आप स्किप हो गया, बट यहाँ पे तो मिडिल में स्किप करना है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ब्लैंक टीडी का। तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्लैंक टीडी, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, ठीक है। रिफ्रेश जैसे किया तो आपके पास ब्लैंक टीडी की वजह से यहाँ पे आप मिसिंग डेटा दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे को फर्स्ट कॉलम में कभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसका डेटा नहीं है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा 100 एंड कुछ भी नहीं, यहाँ पे मतलब ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम आएगा, तो आई थिंक अपन ने वो दो बार कॉपी कर लिया है, नहीं ठीक है, बॉटम वाला था। तो यहाँ पे अपन करेंगे प्रोडक्ट नंबर हमें नहीं पता, प्रोडक्ट का नेम हमारे पास आ जाएगा कुछ भी, जैसे आप प्रोडक्ट का नेम यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हेडफोन्स, ठीक है। हेडफोन्स हमने यहाँ पे डाल दिया और प्राइस इसका डाल दिया 20K, ठीक है। 20K प्राइस हेडफोन, और आईडी हमें नहीं पता, तो आईडी नहीं पता, इसको करो रिफ्रेश। रिफ्रेश करके आपको इस तरह से आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपके पास टेबल के ऐसे सिनेरियो आता है जहाँ हमें कुछ एम्प्टी फील्ड्स को शो करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ब्लैंक टीडी का यूज़ करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि इसके लिए कोई अलग से टैग नहीं है, बट ये सिचुएशनल कंडीशनल चीज़ें हैं। ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होंगे, आप कोई एग्जाम्पल बना रहे होंगे खुद से, है ना। उसको ही समझने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम यहाँ पे इन फील्ड्स को कैसे हैंडल करते हैं, कि कभी ब्लैंक फील्ड्स ऐड करना तो उसका रीज़न क्या, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे 3 रोज़, नहीं इससे ज़्यादा भी रोज़ रखो, मतलब एटलीस्ट 5 रोज़ आप रखो, 5 कॉलम्स रखो, और फिर उस पर डिफरेंट डिफरेंट वेज से इनको अप्लाई करके देखो कि कब कौन से फील्ड में हम ब्लैंक कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। टेबल का कॉन्सेप्ट HTML में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और थोड़ा सा लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आपने बात की रो स्पैन कॉल स्पैन की, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। प्लस इस तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ हमें ब्लैंक फील्ड रखना है और हम तो टैग्स से पढ़ के जाते हैं, तो वो फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होती एग्जाम में, है ना, एग्जाम या इंटरव्यूज में। तो इसलिए यही रिकमेंडेड रहता है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो, इस पूरे सेशंस को देख के, प्लेलिस्ट को देख के, उनको खुद से एक बार प्रैक्टिस करो
और उसमें खुद से वेरिएशन कर करके उसको समझो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।